हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर राज और मिस्टर टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करने से पहले आप सभी को इस नए साल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बस दो लाइनें जो है आपके लिए कहना चाहूँगा कि भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को, मुस्कुराओ चाहे जो भी हो वो पल, खुशियाँ लेकर आएगा आपका आने वाला कल। तो इसी के साथ आपका ये साल काफी सुखद हो, आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके जीवन में काफी सफलताएं मिले, ये सारी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है। और अब जो हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं HDR प्लस कैमरा के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप अपने Redmi Note 3 फ़ोन के कैमरे से HDR प्लस मोड में आप काफ़ी अच्छे फोटोज़ वगैरह जो है क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत होती है एक गूगल कैमरा एप्लीकेशन की जिसमें HDR प्लस मोड सपोर्टेड हो, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। एंड उससे भी ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि यह एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड ओरियो पे ही सपोर्टेड है, तो इसलिए आपके फ़ोन में भी एंड्रॉयड ओरियो का रोम होना ज़रूरी है। और यदि आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ओरियो अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हो एंड्रॉयड ओरियो को फ्लैश करना अपने फ़ोन में, तो आप ये काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हो। आपको इसकी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप वहां जाकर भी जो इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने Redmi Note 3 फ़ोन पे एंड्रॉयड ओरियो को यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है आप इस गूगल कैमरा को यूज़ करके HDR प्लस मोड पे कैमरे से आप फोटोज़ वगैरह जो है काफ़ी अच्छे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो कैमरा एप्लीकेशन अवेलेबल हैं और ये एक कैमरा एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट है जो कि एंड्रॉयड ओरियो में मिलता है और इस कैमरा एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, बस एक ये सिंपल सा कैमरा एप्लीकेशन है, तो इसलिए इस डिफ़ॉल्ट कैमरा में आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इस कैमरा एप्लीकेशन से आप 4K वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि यही एक थोड़ी सी इसमें आपको अच्छी सी मिल जाती है। लेकिन आप अगर इसके अलावा अगर दूसरा कैमरा एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे कि गूगल कैमरा, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है, लेंस ब्लर का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको HDR प्लस मोड का भी ऑप्शंस मिल जाता है। तो इस गूगल कैमरा को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही इस कैमरा के एप्लीकेशन को ओपन करते हो, तो आपको यहाँ ऊपर की तरफ जो HDR प्लस मोड का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाता है और भी कई सारे फिल्टर्स भी आपको यहाँ पे दिख जाते हैं थोड़े बहुत, और जिससे कि आप काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज़ वगैरह जो है इस कैमरा एप्लीकेशन के जरिए आप ले सकते हो। और इस एप्लीकेशन में आप वीडियो को 30 FPS और 60 FPS पे आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन में आप पैनोरामा, फोटोस्फेयर और लेंस ब्लर जैसे फ़ोटोज़ को भी क्लिक कर सकते हो और जिनकी सैम्पल्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। अगर आप जाते हो इसकी सेटिंग्स पे, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और गेस्चर की मदद से भी आप इस कैमरा एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप इसकी वीडियो की रिजोल्यूशन भी देख सकते हो कि आप यहाँ पे 4K में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे और फ्रंट कैमरा से आप 1080 पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं सेटिंग्स के अंदर भी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कई सारे मॉडल्स और HDR प्लस पैरामीटर्स आपको दिख जाते हैं, तो ये सारा कुछ जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो इसे फिक्स कर सकते हो और इसका यूज़ कर सकते हो। इस कैमरा एप्लीकेशन में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी इसकी ऑटो फोकसिंग मोड। यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हो कि जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट पे प्लेस और रिप्लेस करता हूँ, तो ये काफ़ी जल्दी जो है उस चीज़ को फोकस करता है और ये काफ़ी अच्छी बात है इस एप्लीकेशन में, इस गूगल कैमरा एप्लीकेशन में, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके कुछ सैम्पल्स कि जैसे ही मैं अपने कैमरा को मूव करता हूँ, ये काफ़ी जल्दी जो है उस चीज़ को फोकस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस गूगल कैमरा एप्लीकेशन के सैम्पल्स, जिसमें आपको मिल जाएंगे लेंस ब्लर के भी सैम्पल्स और HDR प्लस मोड के भी, जिसे देखकर आप अपने एक नॉर्मल कैमरा एप्लीकेशन से इसे कंपेयर कर सकते हो।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर बस आपके लिए ऐसी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ऐसे ही हंसते रहो आप लोग और मुस्कुराते रहो और बने रहो मिस्टर टेक्नोहॉलिक चैनल के साथ, और कहते रहो भारत माता की जय, एंड अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।